नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 3 मार्च और 3 मार्च के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ईएक्स प्राइम मिनिस्टर एनिवर्सरी। हाल ही में भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुरारजी देसाई है और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और इनको भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। और इनके बारे में और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी सेंचुरी 4 साल में एक बार मनाई जाती है, यानी कि इनका जन्म दिवस प्रत्येक साल 29 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 29 फरवरी 1896 को इनका जन्म गुजरात के वाडनगर में हुआ था और यह भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। साथ ही यह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न और साथ ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों सम्मानों से नवाजा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिविल अकाउंट डे से रिलेटेड, लेकिन इस बीच हम इसमें एक और फैक्ट जोड़ दिए चलते हैं। यह भारत के सबसे अधिक उम्र में बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये जब 81 साल के थे तो भारत के प्रधानमंत्री बने थे और साथ में सबसे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव राजीव गांधी के नाम लिखा राजीव गांधी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिविल अकाउंट डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 1 मार्च को मनाया जाता है और इसका ये 44वां संस्करण है और सिविल अकाउंट डे नागरिक लेखा दिवस इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है राफेल नडाल। क्वेश्चन हमने ये बनाया है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है। कभी कभी सीधा पूछ दिया जाता है, किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका संबंध किस खेल से है। तो राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है। हाल ही में यह चर्चा में है। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपने करियर का 85वां सिंगल खिताब अपने नाम दर्ज किया है। 85वां खिताब इन्होंने दर्ज किया है अपने नाम। इसके अलावे राफेल नडाल, रोजर फेडरर, मारिया शारापोवा ऐसी खिलाड़ी हैं जिनका संबंध टेनिस से है। टेनिस खेल की शुरुआत हुई थी मध्यकाल में फ्रांस में और सबसे पहले इनडोर मतलब ग्राउंड के नीचे घर के अंदर इसको खेला जाता था, इसलिए इसको इंडोर टेनिस के नाम से जाना जाता था। इसका जो अभी का रूप आप देख रहे हैं इसका विकास ब्रिटेन में हुआ है और जिस मैदान में टेनिस खेला जाता है उसको कहा जाता है टेनिस कोर्ट और टेनिस का जो बैट होता है उसको टेनिस रैकेट के नाम से जाना जाता है। बिलमडम जैसे खेल बिलमडम जो है यह इसका सर्वोच्च खेल प्रतिस्पर्धा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो ये प्रत्येक साल 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। और ये जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र का आयोजन किया गया था 20 दिसंबर 2013 को और संयुक्त राष्ट्र संघ के 68वें सत्र में यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद से प्रत्येक साल 2014 पहली बार यह मनाया गया था 2014 में। अगर आपसे पूछे कि यह पहली बार कब मनाया गया
तो यह पहली बार मनाया गया 2014 में। 2013 में घोषणा हुई थी, और कब घोषणा हुई थी, तो 20 दिसंबर 2013 को घोषणा हुई, और 2014 से प्रत्येक साल इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इको सेंसिटिव जोन। हाल ही में एक वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य इसका नाम है। चंबल अभ्यारण्य को अंग्रेजी में हम कहेंगे चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ अवस्थित है, तो ये राजस्थान में अवस्थित है। तो इससे दो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो सिंपल है, आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा चंबल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो यह राजस्थान में अवस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित होने वाला भारत का अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य। तो दो तरीके से इससे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ओवरऑल चैंपियन कौन सा विश्वविद्यालय बना है, चूंकि आप विश्वविद्यालय स्तर के एग्जाम में बैठेंगे तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है और ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है यह यूनिवर्सिटी लेवल का सबसे बड़ा खेल समारोह है, और इसका आयोजन किया गया था गुजरात, यहाँ उड़ीसा में किया गया था, और इस खेल का ओवरऑल चैंपियन बना है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी इसका ओवरऑल चैंपियन बना है, और इसका आयोजन हो रहा था कब से कब तक, 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक इसका आयोजन ओडिशा में किया गया। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ओवरऑल चैंपियन कौन बना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी बना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी लेवल का जो सबसे बड़ा खेल प्रोग्राम है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन ओडिशा, ओवरऑल चैंपियन पंजाब विश्वविद्यालय। ये दो फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक साल 4 मार्च को मनाया जाता है। कल है 4 मार्च और 4 मार्च को मनाया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह 2014 के एग्जाम में पूछा गया ट्रेडिशनल जीके और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तिथि को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और यह क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इससे पहले भी यह पूछा गया था, आपको याद होगा हमने आपको बताया भी था, अगर आप ध्यान से हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि 2014 से पहले किस साल के एग्जाम में वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के बारे में पूछा गया था, तो आपको अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको आप जरूर बताइएगा कि सर ये 2011, 2012, 2013, 2014 से पहले कब पूछा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप ध्यानपूर्वक हमारा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज द कंपोजर ऑफ ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, आप याद करिए। जब हम आपको ट्रेडिशनल जीके की सीरीज में महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में बता रहे थे, तो उसमें हम ब्रह्मसूत्र पुस्तक के बारे में आपको बताए थे, तो इस पुस्तक के लेखक है शंकराचार्य, शंकराचार्य इस पुस्तक के लेखक है। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है डायमंड हार्बर इज सिचुएटेड, डायमंड हार्बर कहां पर अवस्थित है, ये क्वेश्चन भी कई दफा पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन जो बार बार में यूवीटी के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी कोई भी पूछे आपको तुरंत इसका जवाब देना है, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये कोलकाता में अवस्थित है। दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा लें, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है बीजिंग। पूछा गया था आपसे संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग में अवस्थित है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा कल वाला तो इसको आप अभी नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जाधव पयंग को, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माउंट विशन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है, तो ये है मालवत पूर्णा, और यह भी हिंदुस्तान से ही है। आज 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है राजेश कुमार ने, तो राजेश कुमार आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है। राजेश कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपने अध्ययन को जारी रखें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, और आज का तीसरा क्वेश्चन है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच।